पाक फौज के साबिक इंटेलिजेंस ऑफिसर कर्नल रिटायर्ड हबीब जाहिर के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर आई है। भारतीय खुफिया एजेंसी रा का ये कहना है कि कर्नल हबीब जाहिर शहीद हो चुके हैं। नाजरीन ग्रामी, कर्नल हबीब जाहिर फैसलाबाद से इनका ताल्लुक था और कर्नल हबीब उस टीम का हिस्सा थे जिसने बरवक्त कार्रवाई करके कुलभूषण यादव को पकड़ा था। नाजरीन ग्रामी, जूं ही कुलभूषण यादव की फांसी, कुलभूषण यादव के मामले पर पाकिस्तान ने फैसला सुनाया कि हम इसको फांसी पर लटका रहे हैं, उसी वक्त भारत से भी खबरें आना शुरू हो गई कि उन्होंने कर्नल हबीब, जो कि भारत की खुफिया एजेंसी रा की हिरासत में थे, उनको तशद्दुद का निशाना बनाकर शहीद कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, भारत के मीडिया ने इस बात का ऐलान किया था और ये भी दावा किया था कि कर्नल हबीब उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने कुलभूषण यादव को चाबहार से गिरफ्तार किया। बाद में भारत की मीडिया, भारत की एजेंसियों ने कुलभूषण यादव के मामले को लेकर कर्नल हबीब के हवाले से नफरत भड़काना शुरू कर दी। अब खबरें ये गर्दिश कर रही है कि कर्नल हबीब इस दुनिया में नहीं रहे। नाजरीन ग्रामी, भारत की खुफिया एजेंसी रा ने एक डेथ सर्टिफिकेट भी वायरल किया सोशल मीडिया पर और पाकिस्तान के तर्जमान वजारत खारजा का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बजाहिर ये डेथ सर्टिफिकेट जो भारत ने कर्नल हबीब के हवाले से शेयर किया है, वायरल किया है, वो जाली लगता है और हम किसी भी तरीके से कर्नल हबीब की डेथ को कंफर्म नहीं कर सकते। नाजरीन ग्रामी, कर्नल हबीब को गुमशुदा हुए तकरीबन 2 साल गुजर गए हैं। नेपाल में उनको नौकरी का भारतीयों ने झांसा देकर नेपाल से उनको अगवा किया और आज 2 साल बाद भारत ने ये खबर फैलाना शुरू कर दी है कि कर्नल हबीब को भारतीय हिरासत में शहीद कर दिया गया है। नाजरीन, 2 दिनों से खबर बड़ी ज्यादा गर्दिश कर रही है कि भारत की खुफिया एजेंसी NIA ने टॉर्चर सेल के अंदर कर्नल हबीब पर तशद्दुद करके उनको शहीद किया है। भारत की खुफिया एजेंसी ने एक डेथ सर्टिफिकेट भी वायरल किया जिसमे ये लिखा कि बदनामे जमाना कुलभूषण यादव के हवाले से और उस केस के रिलेटेड इनको पकड़ा था और उसी के हवाले से इनको शहीद किया गया है। डेथ सर्टिफिकेट में यह भी लिखा है कि कर्नल हबीब पर दिल्ली के अंदर टॉर्चर सेल के अंदर तशद्दुद किया गया और राजीव सिंह टॉर्चर सेल का सुपरवाइजर था और अपनी सुपरविजन में कर्नल हबीब पर तशद्दुद करवाता रहा। नाजरीन ग्रामी, 2 साल कबल यानी अप्रैल 2017 में कर्नल हबीब जाहिर नेपाल के अंदर नौकरी ढूंढने गए कि वहाँ अचानक वो गायब हो गए, अगवा हो गए। भारतीयों ने जाली वेबसाइट के जरिए जाली तरीके से कर्नल हबीब जाहिर से राब्ता किया, उनको नेपाल बुलवाया, वहाँ उनको किडनैप कर लिया। बहरहाल पाकिस्तान आर्मी ने, पाकिस्तान की सिविल गवर्नमेंट ने नेपाल की हुकूमत से राबता भी बारहा मरतबा किया और इनकी रिहाई का मुतालबा भी करते रहे। नाजरीन ग्रामी, नेपाल तो तब रिप्लाई करता अगर नेपाल के पास कर्नल हबीब होते, वो तो सीधी भारत के पास चले गए। नेपाल ने मिली भगत के जरिए भारतीय एजेंटों के हवाले कर्नल हबीब जाहिर को किया और आज उनके बारे में ये अफसोसनाक खबरें सामने आ रही है। नाजरीन ग्रामी, एक तरफ पाकिस्तान कुलभूषण यादव से अच्छे से सलूक कर रहा है, भारत को उसके कौंसलर रसाई भी दे रखी है, लेकिन भारत ने कर्नल हबीब के बारे में जो काम किया है ये इंतहाई अफसोसनाक है। हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि कर्नल हबीब साहब जहां भी हों महफूज हों और जल्द अज जल्द वो पाकिस्तान वापस आ जाएं।